नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक सब जानते हैं, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को ही उठाता है और जितने भी मुद्दे हैं आपकी राय हम जानते हैं और आप अपनी राय बताते हैं और अंत में हम आपको एक सर्वे का नतीजा भी बताते हैं, आपकी ही राय पर आधारित होता है। तो आज का हमारा मुद्दा है ये जोड़े। जी हाँ, ये जोड़े है और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा में बीजेपी को। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुट चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस हरियाणा में कह रही है कि असल परीक्षा बीजेपी की अब शुरू हुई है, क्योंकि पहले कोई टक्कर में था कि नहीं था, लेकिन अब कड़ी टक्कर कांग्रेस ही देने वाली है, क्योंकि ये जो जोड़ी बन चुकी है, ये जो राजनीतिक जोड़ी कमाल दिखाने वाली है, ये बीजेपी को हिलाने वाली है। ऐसे नारे दिए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन कुछ समस्याएं आज भी विद्यमान हैं, मौजूद हैं, और वो हैं कांग्रेस की गुटबाजी। इसके अलावा जो कैडर है उसमें जोश भरने का काम क्या शैलजा कर पाएंगी, बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब खुद ढूंढने हैं कुमारी शैलजा को, भूपेंद्र हुड्डा को, क्योंकि जो भी इन 5 सालों में हुआ है वो 2 महीने में कैसे ठीक हो जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इस बदलाव के बाद। तो सवाल कहीं हमारे सामने, वो सवाल क्या है उस पर हम नजर डालेंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल आपको कुछ जानकारियां दे दें इस बदलाव के बारे में। आपको मालूम ही हो गया होगा कि कांग्रेस में बदलाव हुआ है, यानी कि हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव किया है कांग्रेस आलाकमान ने शीर्ष नेतृत्व में। ये पहले ही चर्चा चल रही थी कि ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए, लेकिन सिरे कुछ नहीं चढ़ रहा था। पहले राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसके बाद वो कुछ फैसला नहीं ले पाए, फिर अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया सोनिया गांधी को। जैसे अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया सोनिया गांधी को, तो कई तरह की बातें उनके सामने उठ खड़ी हुई। अब चुनाव नजदीक है तो उससे पहले फैसला तो लिया जाना चाहिए ही था। अब सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया और कहा कि कुमारी शैलजा को जिम्मेदारी दी जाएगी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष की। भूपेंद्र हुड्डा को 3 पद दिए गए हैं, उनको संतोष करना पड़ा है इन 3 पदों को, क्योंकि इच्छा तो उनके समर्थकों की थी कि हरियाणा कांग्रेस का अगर अध्यक्ष बने अशोक तंवर को हटाकर तो वो बनने चाहिए भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन ये तो उनकी मांग और जिस तरह से वो चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए पूरा नहीं हो पाई मांग। लेकिन अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष सीएलपी लीडर और साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। अब ऐसे में अब कांग्रेस के हौसले बुलंदियों पर नजर आते हैं, लेकिन कुछ हद तक अशोक तंवर के समर्थक अब भी थोड़े परेशान हैं, हैरान हैं कि फैसला लिया गया तो कैसे लिया गया है। अब ऐसे में सवाल क्या खड़े उठते हैं, इन पर नजर डालते हैं। तो क्या सवाल है ये आपके सामने रखते हैं, क्या बदलेगा कांग्रेस का हाल इस फैसले के बाद? जैसे कि हमने जिक्र किया कि बड़ा बदलाव हुआ है हरियाणा कांग्रेस में, क्या हुड्डा और शैलजा कांग्रेस की तकदीर बदल पाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ कमाल कर दिखाएगी जबकि अब ये बड़ी जिम्मेदारी इन 2 चेहरों को मिली है? क्या बदलाव से सत्ता में आ पाएगी कांग्रेस? दोनों की जोड़ी दे पाएगी बीजेपी को टक्कर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टक्कर? तो क्या बदलेगा कांग्रेस का हाल, सबसे अहम सवाल ये है। अब इसमें कई सवाल और भी उठते हैं, सवालों की ही बात है और हमारा काम तो सवाल पूछना है और आपकी राय भी लेना है, साथ ही जो नेता है उनसे भी प्रतिक्रिया जानना है। अब एक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी आई, उनका कहना था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई पार्टी टूटे, कोई नई पार्टी बने या किसी पार्टी में बदलाव होता हो, किसी को जिम्मेदारी दी जाती हो ना दी जाती हो। वैसे तो उन्होंने ये आंतरिक मामला कांग्रेस का बताया था, लेकिन फिर भी जब जनता के बीच गए आशीर्वाद लेने के लिए तब उन्होंने अपनी ओर से बता ही दिया कि हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आप भी वहम में ना रहें और आप भी इनके पक्ष में वोटिंग ना करें। अप्रत्यक्ष रूप से कहा ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि इनके झांसे में ना आए, ये बदलाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई उनकी पार्टी में है और ये परिवर्तन तब कर रहे हैं जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि ये किस तरह की लड़ाई है और इस लड़ाई में कौन जीता और कौन हरा। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी मामले की बात है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही दूसरे भी बयान सामने आए, अनिल विज कल बयान दे चुके हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रामविलास शर्मा भी कह चुके हैं कि बेशक इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हरियाणा कांग्रेस में हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी को तो कोई नहीं रोक सकता कि वो 75 पार कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो पूरा होकर रहेगा, ये भी रामविलास शर्मा का ही कहना था। अब ऐसे में इस जोड़ी पर सब कुछ निर्भर करता है, निर्भर ये भी करता है कि इनको जितवाना है हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस को।
ये भूपेंद्र हुड्डा की बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पद सोनिया गांधी ने उन्हें दिए हैं ये आसानी से नहीं मिला है। ये रोहतक की रैली का दबाव भी था, ये भी आरोप लगाए गए उनके विरोधियों के द्वारा, लेकिन सब कुछ पब्लिक जानती है। और क्या जानती है, आइए हम भी जान लेते हैं। मैं तो सोनिया जो निर्णय लिया है मैडम जी, वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इससे कांग्रेस में जान आएगी, टक्कर टक्कर नहीं दे पाएगी थी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, क्योंकि हरियाणा पूरी तरह से दुखी हो चुका है मोदी सरकार की नीतियों से और खट्टर सरकार की नीतियों से। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पिछले 5 साल से बगैर संगठन के हर चुनाव में जा रही थी, उस चीज़ का कांग्रेस को लगातार नुकसान होता जा रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव की बात है या बाई इलेक्शन की बात है, मेयर इलेक्शन की बात है, तो कहीं ना कहीं जैसे शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो तालमेल करके समीकरण बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। और दोनों लीडर सीनियर लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, और इनको पता है कि जनता की भावनाओं को किस तरीके से लोगों के बीच जाना है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस टक्कर दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी ही इतनी चरम सीमा पर जा चुकी है। चाहे शैलजा को अध्यक्ष बना दो, चाहे हुड्डा को अध्यक्ष बना दो, कांग्रेस में अब एकता नहीं होगी। इसीलिए यही लगता है, प्रचार में भी कांग्रेस बहुत पीछे पिछड़ चुकी है। भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा, कभी कुछ भाजपा ने एक पन्ना प्रमुख भी नियुक्त कर दी है, उस मामले में कांग्रेस का भी ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई बूथ लेवल का कोई एजेंट है अभी तक। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी इनके नेतृत्व में, बिल्कुल कोई टक्कर नहीं दे पाएगी, कोई टक्कर उनका कोई मुकाबला भाजपा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पिछली बार तो एक दो सीट आ गई थी, अब के वो भी नहीं आती हैं। और ये जो बीजेपी ने इतना विकास कराया, मतलब बहुत ज़्यादा विकास करा दिया है, उसके मुकाबले में खट्टर के मुकाबले में शैलजा और अपना हुड्डा क्या मुकाबला करेंगे, कोई मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नहीं, बीजेपी की टक्कर में तो कोई है नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है, मोदी जी के लहर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, उनकी ऐसी सुनामी आएगी कोई नहीं बचेगा, उनके बाद 75 तो क्या क्या हो सकता है, 80 पार भी हो जाए बीजेपी से। बिल्कुल नहीं सर, जैसे आंकड़े पहली बार फेल हुए थे इनके, ऐसे अभी फेल होंगे, मतलब ही नहीं है, लहर मोदी लहर आज तक खत्म नहीं हुई, और पहले से मैं तो ये कह रहा हूँ बढ़ती जा रही है मोदी लहर। ना दे पाएंगे, मोदी की टक्कर आई है और टक्कर कोई नहीं ले पाएगा, बीजेपी की लहर चल रही है, कोई टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कुमारी शैलजा जो बनाई है अध्यक्ष, या टक्कर नहीं दे पाओगी बीजेपी की। अशोक तंवर दे सके था, और किरण चौधरी जो विधायक दल की नेता थी वह बढ़िया थी, और डर है कौन बनाए बात नहीं, कौन दे पाओ है, बीजेपी खुलम जीतेगी, 80 पार करेगी। नहीं, कांग्रेस नहीं दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी प्लस 75, बीजेपी प्लस 75, और ये जो कल फिर बदल हुआ है, माननीय हुड्डा जी को अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव समिति का बनाया गया, ये कोई खास बात नहीं है। तो ये आम जनता है और सब कुछ मालूम है, उन्हें ये भी मालूम है कि संगठन कमजोर है या है ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं है, ब्लॉक स्तर पर नहीं है, जिला स्तर पर नहीं है, ये बड़ी कमजोरी है। अब ऐसे में पब्लिक सवाल उठा रही है कि कैसे जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दो चेहरे हैं ये जान फूंक पाएंगे हरियाणा कांग्रेस में, और जो भी उम्मीदें हैं बीजेपी की उसको चकनाचूर कर देंगे, ये भी आम लोगों का कहना है। अंत में आपको नतीजा बताएंगे सर्वे का, लेकिन उससे पहले लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आप सुनिए और ध्यान से सुनिए कि आम जनता यानी कि आप ही क्या कहते हैं इस जोड़ी को लेकर जो नई जोड़ी हरियाणा कांग्रेस की बनी है। लोगों को समझाएंगे कि जो अर्थव्यवस्था पे जीडीपी कमजोर हुई है, एमपी के चुनाव में तो मोदी जी की लहर थी, और जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव है उसमें तो लोगों को समझा पाएंगे जो काम कराए हुड्डा साहब ने, और कोई किसी नेता ने नहीं करवाए। तो क्या भाजपा का 75% का लक्ष्य तोड़ देंगे? बिल्कुल तोड़ देंगे जी, अच्छी टक्कर देगी जी, एकदम बढ़िया टक्कर देगी कांग्रेस, अच्छी कामयाब होगी जी। बीजेपी सरकार में हमारे जाटा सा गए, ना टैल पर पानी, ना मान बिजली मिलन लाग रही, और हमारी खेती जकी हुआ नाज हुए वो भी माने कार्ड बनवाना पड़े भी अंदर, ना सरसों बिकन लाग रही जी, आम आदमी में किसान तो यूँ किसान वर्ग तो बड़ो तंग है जी। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आए और बीजेपी उठाए, बीजेपी आधार कार्ड पे लोन दे रही है लोगों को, 70,000-50,000 लाख SBI बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं वो मेरा उस ब्रांच में जाओ, वो ब्रांच में जाओ, वो ब्रांच में जाओ, किसी का लोन नहीं हो रहा, बीजेपी से तंग है, सब दुखी हैं। इस कभी भी टक्कर नहीं दे पाएगी बीजेपी को, बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है,
बहुत मजबूती के साथ कार्यकर्ता इस समय विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए बिल्कुल कमर कस चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को आम जनता ने, हरियाणा की जनता ने देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, उनकी कार्यशैली से हरियाणा की जनता प्रसन्न है और बेहद प्रसन्न है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता हम लोगों ने, क्योंकि लोगों का अनुमान ये है कि जीरो के बराबर है बस। कांग्रेस का जो शैलजा को अध्यक्ष बनाया गया है ये किसी के उसमें वो नहीं है, मतलब कि भाई इससे कोई पार्टी की इमेज बनेगी या ऊँचे उठेगी या कुछ नहीं, अभी जीरो है। शैलजा जो उसकी अध्यक्ष बनाई गई है कांग्रेस की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने उसके चुनाव के जो बनाए गए हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनसे बीजेपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी की सरकार ही आनी है और कम से कम 85 सीट ज़रूर आएंगी बीजेपी की। नहीं, बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई भी पार्टी अभी तक नज़र में नहीं आ रही, कांग्रेस की तो बहुत दूर की बात है। नहीं जी, ये तो बढ़िया ही है, इसके लिए चाहे इनको किसी को भी बना दो, इस टाइम पार्टी अपने बढ़िया काम कर रही है सारी और ये भी बढ़िया ही करेंगे इस काम के लिए। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी का इस टाइम कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं, कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है बीजेपी के साथ। 1% वोटों का फायदा तो हो सकता है पर क्या फर्क पड़ना है, सरकार बीजेपी की एक तरफा बीजेपी आनी है, अध्यक्ष भी वही थे, सारे कांग्रेस पार्टी के ही हैं वो, तो शैलजा भी अपने हुड्डा साहब भी, किसी को बदल दो, किसी को कोई समूनी हटा दो, किसी को चेयरमैन बना दो, किसी को मुनीम बना दो, क्या फर्क पड़ना उससे, डर की भाई खाका लिखने वाला। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपसे सुनी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, वाकई में पड़ेगा, बदलाव हुआ है तो कुछ सोच समझ कर किया गया है सोनिया गांधी के द्वारा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में आ चुकी है, एक तरफ जहां जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री ले रहे हैं, ये तैयारियां पहले से की जा चुकी है, 18 अगस्त से खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अभी तक कांग्रेस में बदलाव भी हो रहे हैं, अभी तो इनको साथ बैठना है, रणनीति बनानी है, कैसी रणनीति बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्या फैसले लिए जाएंगे, कैसे गुटबाजी को खत्म किया जाएगा, कैसे कैडर को मजबूत किया जा सकेगा, बहुत से प्रश्न हैं शैलजा के सामने, इनका जवाब ढूंढना भी है, काम भी करना है, जीतना भी है, इलेक्शन भी लड़ना है, लेकिन जनता क्या कहती है, उनके मन में इस जोड़ी को लेकर क्या विचार है, क्या एकदम से बदलाव आ सकता है, क्या बीजेपी का सपना टूट सकता है इस जोड़ी की वजह से, इस पर भी चर्चा भी करेंगे और जनता की राय भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, पब्लिक सब जानती है, मैं आज का मुद्दा यही है कि क्या कांग्रेस में जो बदलाव हुआ है, हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हुआ है, जो जोड़ी बनाई गई है ये, जिसमें शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा शामिल है, जिम्मेदारी बढ़ दी गई है, क्या ये कमाल कर दिखाएंगे, क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, जो 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, क्या वो नारा अब ढीला पड़ जाएगा, क्या वो नारा अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो सपना देखा गया वो टूट जाएगा, ये कांग्रेस के कुछ नेता कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता पर सब कुछ निर्भर करता है, यानी आप पर सब कुछ डिपेंड करता है, जनता क्या कह रही है आइए जान लेते हैं। शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से और हुड्डा जी को CLP लीडर बनाने से पूरा हरियाणा में खुशी की लहर है, दोनों ही अच्छे जागरूक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, किसान की मजदूर की हर वर्ग की सूद लेने वाले नेता हैं, विकास की इन्होंने बार बार, इनका पिछले कार्यकाल जितने भी आप देखेंगे कि हरियाणा को इन्होंने कहाँ से कहाँ तक नंबर वन तक बना दिया। रही भाजपा की बात, ये विकास पार्टी, विकास नहीं है, ये है लाइन लगाओ पार्टी, इन्होंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरे हिसाब से तो मीडिया की वजह से या उसकी वजह से या मोदी लहर कह लो जो भी XYZ, लेकिन हरियाणा में इनका अब सुपड़ा साफ है शायद। टक्कर नहीं जी, अब तो सुपड़ा साफ हो रहा है, कहते थे ना 75 पार, अब तो कहते हैं हरियाणा से बाहर, अब बीजेपी बाहर है, और ये अगर 3 महीने पहले हो जाता तो शायद हरियाणा ही नहीं अदर स्टेटों पर भी इसका असर पड़ता, कि कांग्रेस की अगुवाई जो हुड्डा साहब को मिली है, इसी तरह से अगर सोनिया जी काम करती रही तो ये धीरे धीरे हरियाणा ही स्टेट नहीं बल्कि अदर स्टेट भी और पूरे भारत में भी कांग्रेस की लहर जाएगी जी। बिल्कुल दे पाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विकास पुरुष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, और हरियाणा के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, और उम्मीद उन्हीं से लगाई जाती है जिन्होंने पहले अच्छे काम किए हों। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर वर्ग के लिए, चाहे वो दलित वर्ग हो, युवा वर्ग हो, कर्मचारी हो, हर किसी के लिए अच्छे काम किए हैं, कि यहाँ तक कि किसानों को तो एक भी कंप्लेंट 10 साल में उन्होंने आने नहीं दी, तो इसलिए
हर वर्ग को सिर्फ उन्हीं से उम्मीद है? नहीं, अगर ये साल पहले ये डिसीजन कांग्रेस गवर्नमेंट लिया होता तो उम्मीद रखी जा सकती थी। आज की डेट में क्या, चार टुकड़े में तो खुद कांग्रेस हुई पड़ी है। सुरजेवाला ग्रुप, भूपिंदर हुड्डा ग्रुप, किरण चौधरी ग्रुप, शैलजा ग्रुप, तवर ग्रुप, इतने ग्रुपों ने बटे पड़े हैं। सबसे पहले इनको एक होना चाहिए था। तो बाकी कुमारी शैलजा वाला जो है, ये अगर साल पहले उठाया होता तो आज मुकाबले की उम्मीद लगाई जा सकती। जैसे कुमारी शैलजा तो अपने क्षेत्र से ही हार गई, अम्बाला से ही हार गई वो, और राज्यसभा में वैसे भी सिफारिश लगा के बढ़ती है। मेरे को तो नहीं लगता कि भाई कुमारी शैलजा में कोई दमखम है। मुश्किल दिख रहा है, टाइम थोड़ा है और मुकाबला तकड़ा है इनका। बहुत देर कर दी इन्होंने अपने काम में, इसलिए इनको टाइम से पहले इन्हें सुधर जाना चाहिए था। आपसे जी नहीं, कतई भी नहीं लगता, क्योंकि देखिए ये पहले भी कांग्रेस के ही पार्ट थे। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपोर्ट होके कोई नई चीज आ गई है। ये शैलजा भी और हुड्डा भी पहले भी कांग्रेस के पार्ट है। पहले उन्होंने चुनाव में क्या कर दिया ऐसा जो अब हो जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा कोई जादू की छड़ी इन लोगों के पास में और ये घुमाएंगे और सीटें इनके पास आने लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है ऐसा होगा। उड्डा और शैलजा की अगुवाई में कांग्रेस से भाजपा टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार है जो, उसने काम बहुत बढ़िया कर रखे हैं और आने वाले टाइम में भी अभी करने लग रहे हैं, काम आगे भी करेंगे। तो इसलिए हमारे को या जनता को ऐसा लगता है कि कांग्रेस से पहले भी खत्म हो चुकी पार्टी है, अब उठना नामुमकिन है। देखिए, पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्हें इस जोड़ी को इन्होंने देर आए दुरुस्त आए लेकिन बढ़िया तरह तलाश के और इन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की दोबारा फिर सरकार बनने जा रही है। कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव कंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने जाने पर पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी वो जोश सा उमड़ पड़ा है और आने वाले चुनाव में ये भाजपा को पूरी टक्कर देंगे। भूपेंद्र सिंह और ये शैलजा जी के नया चेहरा आया है अभी और बिल्कुल तेज टक्कर पाएंगे। जिनने हुड्डा साहब ने बहुत काम करे और खट्टर ने झूठा वादा किया है और इन दोनों मिलकर इनका सुपड़ा साफ करेंगे। जो कह रहे हैं ना 75 पार पार, ये जी हमारे जो हुड्डा साहब है ये लाएंगे 75 पार। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की अगुवाई में जो कांग्रेस सरकार ने किया है तो उसमें मुझे लगता है कि इनका गठबंधन बढ़िया नहीं चलने वाला और कांग्रेस की सीटें बहुत कम आने की आशंका है। ऐसा पहले कांग्रेस मृत प्राय स्टेज पे गई हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस जीवित हो जाएगी। टक्कर वाली बात तो दूर की कौड़ी है। लोहारी ने बनाए दो कांग्रेस को तो ना भी खत्म, हरियाणा कांग्रेस तो खत्म है। कैसे काम भी कैसे करें, तो जेल में जाएगा करेगा क्या? 70 साल ही करेगा क्या है? 10 साल हुड्डा सीएम रहा, नुकसान नुकसान है, घोटाले घोटाले करें। शैलजा को अध्यक्ष बनाया ना? हाँ, शैलजा ने बना ले, कहीं बना ले, कांग्रेस तो खत्म है। जिस हिसाब से कांग्रेस आज नेतृत्व की बात हो रही है, मेरे को लगता है कांग्रेस नेतृत्व आज बिल्कुल ही कमजोर है। और अगर पार्टी के अंदर आप देखो तो एक नहीं छः मुख्यमंत्री है। जब तक इन मुख्यमंत्रियों का सपना चूर चूर नहीं होगा तब तक पार्टी उभर नहीं सकती। एक झंडा और एक आवाज जब तक कांग्रेस के अंदर नहीं हुई तब तक पार्टी को उभरना मुश्किल है। नहीं, बीजेपी को अभी टक्कर देने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शैलजा के आने से और हुड्डा के आने से। हमें ऐसा अभी नहीं लगता कि सिर्फ अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस मजबूत हुई हो। कांग्रेस पार्टी में अभी काफ़ी गुटबाजी होने के कारण अभी पार्टी मजबूत की स्थिति में नहीं लग रही है। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी लोगों की, ये क्या कह रहे हैं और किस तर्क पर कह रहे हैं और क्या कुछ आधार इनकी बातों का। ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, सीधे आपको आज का सर्वे जो है उसका नतीजा भी बता देते हैं। तो आपके सामने यह है मूल सवाल और उसका नतीजा भी। क्या हुड्डा और शैलजा की अगुवाई में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी हरियाणा कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में? टक्कर दे पाएगी 38% लोग ये कह रहे हैं, लेकिन नहीं दे पाएंगे टक्कर ये दोनों 62% लोग कह रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि हाँ टक्कर दी जा सकती है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कोई टक्कर नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जोड़ी बेशक अब बनी हो लेकिन ये कांग्रेस में तो पहले भी थे, पहले क्यों नहीं कमाल कर दिखाया है? आखिरकार जिम्मेदारी देने के बाद क्या ये जादू की छड़ी चलाएंगे जिससे कि सब कुछ अलग हो जाएगा, बदल जाएगा?
तो ये था आज का नतीजा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक।